फिल्म 92 में खालिद तबस्सुम का सलाम कबूलो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमारे इस व्लॉग की शख्सियत माजी की फिल्मी दुनिया की एक मशहूर हीरोइन आसिया बेगम है। 1970 की दहाई के अवाइल में महीन होंठों, कजरारी आंखों, तीखी नाक, दराज कामत और छरेरे बदन की हामल एक मासूम सूरत लड़की लाहौर की फिल्म नगरी में दाखिल हुई। उन दिनों रियाज शाहिद मारूफ नावल निगार नसीम हजाजी की एक तारीखी कहानी को कास्ट्यूम फिल्म में ढालने के मंसूबा पर काम कर रहे थे। उनकी जौहर शनास निगाहों ने लड़की को देखते ही उसमें पोशीदा फनकारा को पहचान लिया और उसे अपनी तारीखी फिल्म गरनाता के एक नुमाया किरदार के लिए मुंतखिब कर लिया। लड़की इस खुशबख्ती पर खुशी से निहाल थी। उसके वहमो गमान में भी न था कि वो इस कदर आसानी से मकसद पाने में कामयाब हो जाएगी। इस कामयाबी के साथ ही उसके रास्ते में एक मुश्किल आन खड़ी हुई। उसका नाम फिरदौस था और फिल्मी दुनिया में इस नाम की अदाकारा का पहले ही तूती बोल रहा था, इसलिए एक ही नाम की दो फनकाराओं का एक ही जगह गुजारा करना मुश्किल था। चुनाचे गौर खौज के बाद उसने अपना नाम तब्दील करने का फैसला किया और फिरदौस से आसिया बन गई। उसे हरगिज ये अंदाजा ना था कि आने वाले मुख्तसर अरसा में वो दुनियाई फिल्म के उफक पर एक चमकता सितारा बनकर उभरेगी, बाद अज़ां जल्द ही मलका सिल्वर स्क्रीन बन जाएगी। आसिया 13 नवंबर 1952 को पटियाला के एक फनकार घराने में पैदा हुई, जो 1953 में भारत से हिजरत करके कराची में आकर आबाद हो गया। जब आसिया 9-10 बरस की हुई तो उसे मौसीकी की तालीम देना शुरू की गई। आसिया के मामू अकरम भांजी को एक मकबूल फनकारा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वो तगोदौ में मसरूफ हो गए। आखिर वो भांजी को रेडियो पाकिस्तान कराची में गुलुकारा के तौर पर मुतारफ कराने में कामयाब हो गए। उस जमाने में कराची में स्टेज बेहद मकबूल हो रहा था। रेडियो के बाद आसिया ने स्टेज का रुख किया और वहां गुलुकारी समेत अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू कर दिए। उसकी अदाकारी और मुकालमों की अदायगी से मुतासर होकर कैमरामैन नबी अहमद ने उसे फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया। नबी अहमद के तवस्सुल से वो हदायतकार रजा बीर तक पहुंची, जिन्होंने उसे अपनी आने वाली फिल्म पराई आग में काम देने का वादा किया। आसिया के मामू अकरम की कोशिशों से कराची के मारूफ फिल्मी सहाफी और निगार अवार्ड्स के रूहे रवां इलियास रशीदी ने रियाज शाहिद से उसकी सिफारिश की, जो उन दिनों नए चेहरों की तलाश में मसरूफ थे। आसिया से कबल रियाज शाहिद ये किरदार होनहार अदाकारा आलिया को देना चाहते थे, मगर वो उन दिनों पंजाबी फिल्मों में बेहद मसरूफ थे। हिदायतकार शबाब किरानवी भी उन्हीं दिनों इंसान और आदमी के नाम से एक घरेलू और समाजी फिल्म बनाने की तैयारियां कर रहे थे। जब उन्हें फिल्मी दुनिया में आसिया की आमद से मुतल्लक मालूम हुआ तो उन्होंने उसे बुलवाया। मुलाकात के बाद शबाब किरानवी ने उसे इंसान और आदमी में कास्ट कर लिया। फिल्म के मरकजी किरदार जेबा और मोहम्मद अली के पास थे। आसिया का किरदार जेबा की बेटी और तलत हुसैन की मंगेतर का था। इंसान और आदमी की कहानी शबाब किरानवी ने खुद लिखी थी, जबकि मौसीकी एम अशरफ ने तरतीब दी थी। फिल्म के साथ साथ उसके नगमात भी बहुत मकबूल हुए। अदाकार रंगीला ने खसूसी तौर पर एक गाना हमने तुमसे प्यार किया है गाया। ताहम मलका तरन्नम नूर जहां का गाया ये गीत तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना बहुत मकबूल हुआ। गरनाता से कबल 15 मई 1970 को इंसान और आदमी रिलीज हुई, जिसका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। यूं आसिया इंसान और आदमी के जरिए सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुई।
लेकिन फिल्मी दुनिया में उसे मुतारफ कराने का सेहरा रियाज शाहत के ही सर जाता है। तारीखी फिल्म होने के सबब रियाज शाहत को घरनाता के लवाजमात और जुजियात पर ज्यादा तवज्जो देना पड़ रही थी, जिससे फिल्म की तकबील ताखीर का शिकार होती गई। इस दौरान हदायतकार अजीज मैराठी ने खालिद बासिल के नावल साहिल कहीं मंजिल कहीं से माखूज अपनी फिल्म यादें के लिए आसिया को नाजम के मुकाबले हीरोइन ले लिया। हदायतकार रजा मीर ने भी हमीदा जबीन की लिखी फिल्म पराई आग को शुरू कर दिया था। उन्होंने भी आसिया को एक नुमाया किरदार में लिया। पराई आग की खास बात यह थी कि उसका म्यूजिक नामवर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने तरतीब दिया था। यादें 2 अप्रैल और पराई आग 7 मई 1971 को रिलीज हुई। बदकिस्मती से दोनों फिल्में शायकीन को मुतासर न कर सकी और बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। इस नाकामी से आसिया के नौजायदा फिल्मी कैरियर को सख्त धचका लगा। उसे अपनी उड़ान इब्तदाई में हचकोले खाती नजर आने लगी। आसिया अपने दिलकश खदो खान की वजह से मुतअद्दद फिल्म साजों और हदायतकारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी और आने वाले वक्त में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद थी। जल्द ही उसके मुस्तकबिल पर छाए मायूसी के बादल छट गए, जब 21 मई 1971 को नुमाइश पजीर होने वाली रियाज शाहत की तारीखी फिल्म घरनाता ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिसके नतीजा में आसिया की डगमगाती कश्ती तवाजुन में आ गई। घरनाता की कहानी उंदलस पर मुसलमानों के तारीखी अहदे हुकूमत के तनाजर में बदर बिन मुगीरा की मुजाहदाना जिंदगी पर मबनी थी, जिसका किरदार यूसुफ खान ने नहायत महारत से अदा किया। आसिया अबू दाऊद की बड़ी बेटी रबिया के किरदार में जलवागर हुई, जो बदर बिन मुगीरा की शख्सियत से मुतासर होकर उसे चाहने लगती है। उस जमाने में मुतअद्दद बड़ी अदाकाराओं की फिल्म नगरी पर गिरफ्त मजबूत थी और उनके सामने किसी नई अदाकारा का ठहरना मुश्किल था, लेकिन आसिया ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के जरिए उनकी सफ में शामिल होने के लिए कोशिशें जारी रखी और आने वाली फिल्मों की कामयाबी ने उसे सफे अव्वल में शामिल कर दिया। घरनाता की नुमाइश के तकरीबन 4 माह बाद 17 सितंबर 1971 को हदायतकार के खुर्शीद की उर्दू फिल्म चराग कहाँ रोशनी कहाँ सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म में आसिया ने एक अहम किरदार अदा किया। नई होने के बावजूद वो एक मंझी हुई अदाकारा के तौर पर नजर आई। फिल्म के दीगर अदाकारों में शबनम, नदीम, संगीता, कवी, लहरी और तारक अजीज शामिल थे। मौसीकार एम अशरफ और शायर कलीम उस्मानी थे, जिनका लिखा गीत हाले दिल आज हम सुनाएंगे बहुत मकबूल हुआ। यह रोमानवी और नगमाती फिल्म कामयाब रही। 1971 में फिल्म साज, हदायतकार, मुसन्नफ और गुलूकार रंगीला ने नई फिल्म दिल और दुनिया पर काम शुरू किया तो उनकी नजर इंतखाब भी आसिया पर पड़ी, जिसकी फनकाराना सलाहियतों से फिल्म नगर पहले ही मोतरफ हो चुकी थी। रंगीला ने उसे दिल और दुनिया में हीरोइन के तौर पर ले लिया। आसिया फूलों के हार बेचने वाली एक मुफलस नाबीना लड़की के रूप में जलवागर हुई। रंगीला का किरदार भी एक मुफलस और धुतकारी शख्स का था। दोनों एक हादसा के नतीजा में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और रंगीला के दिल में उसकी चाहत के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। वो उसे आंखों के डॉक्टर अदाकार हबीब के पास लेकर जाता है। डॉक्टर आसिया की बिनाई की बहाली के लिए उसकी आंखों के ऑपरेशन का मशवरा देता है। रंगीला ऑपरेशन के इंतजाम के लिए निकल खड़ा होता है। बदकिस्मती से रंगीला बदनामे जमाना मुजरम बहराम डाकू का हमशक्ल होने की पादाश में मुखालफीन के हत्थे चढ़ जाता है, जो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। आंखों के डॉक्टर की बीवी का कुछ अरसा कबल एक हादसे में इंतकाल हो जाता है। उसकी कमसिन बेटी मां की जुदाई में निडाल होती है। ऑपरेशन के नतीजा में आसिया की बिनाई लौट आती है। डॉक्टर की दरख्वास्त पर वो उसकी बेटी को दिलासा देती है।
वो आसिया को कबूल करके मां का गम भूलने लगती है। उधर आसिया को जब रंगीला के बारे में डाकू होने की खबर मिलती है तो वो उससे नफरत करने लगती है। डॉक्टर उसे शादी की पेशकश करता है जो वो कबूल कर लेती है। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। दिल और दुनिया की कहानी खुद रंगीला ने लिखी और इसे एवरन्यू स्टूडियोज और बारी स्टूडियोज में तैयार किया गया। बारी स्टूडियोज के लान में आसिया पर अक्स बंद किया गया। रूना लैला का गाया ये गीत चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली बहुत मकबूल हुआ। दिल और दुनिया में आसिया की जानदार अदाकारी ने दीगर फिल्म साजों को भी अपनी जानब मतवज्जे किया। हदायतकार एस ए बुखारी ने मुसलमानों और मंगोलों के दरमियान जंग के मौजू पर मबनी एक तारीखी फिल्म हाशु खां बनाने का फैसला किया। फिल्म के मुकालमे और मंजरनामा मारूफ शायर तनवीर नकवी ने तहरीर किए, जो अपनी लाजवाब शायरी की बदौलत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया पर पहले ही अपनी धाक बिठा चुके थे। नगमा निगार हजी कादरी और हबीब जालब जबकि मौसीकार एम अशरफ थे। हाशिम खान 9 जून 1972 को नुमाइश के लिए पेश की गई और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। ये आसिया की पहली पंजाबी फिल्म थी। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नामवर विलन असद बुखारी ने उर्दू फिल्म मैं अकेला बनाने का इरादा किया तो अदाकार शाहिद के मुकाबल आसिया का इंतखाब किया। ये एक घरेलू और समाजी मौजू पर मबनी फिल्म थी। फिल्म की खास बात यह थी कि उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान ने पहली बार या मोहम्मद मुस्तफा कवाली फिल्म के लिए अक्स बंद कराई। फिल्म कामयाब रही और औसत दर्जे का कारोबार कर सकी। 11 अगस्त 1972 को हदायतकार जफर शबाब की मैं भी इंसान हूं रिलीज हुई। फिल्म का टाइटल रोल रंगीला ने अदा किया जबकि उसके मुकाबल आसिया गरीब खाना बदोश के रोल में आई। रंगीला उसे बड़ी फिल्म स्टार बनने में मदद देता है। मकसद हासिल करने के बाद वो रंगीला जैसे मौसम को फरामोश करके फिल्म नगरी के हीरो शाहिद से प्यार की पींगे बढ़ाने लगती है। इस दौरान एक हादसे के नतीजा में वो लंगड़ी हो जाती है। शाहिद उससे अपना रुख फेर लेता है। इस फिल्म में आसिया ने उम्दा अदाकारी का मुजाहरा किया। फिल्म के गीत जब भी सुनूं तेरी बांसुरियां और रंगीला की आवाज में मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला बेहद पसंद किए गए। आसिया की दूसरी पंजाबी फिल्म हदायतकार मसूद परवेज की पुन्नू दी ससी थी जो 1 सितंबर 1972 को नुमाइश के लिए पेश की गई। यह लोक कहानी पर मबनी एक रोमानवी फिल्म थी जिसके फिल्म साज इजाज दुरानी और मसूद परवेज थे। इजाज दुरानी ने हीरो का किरदार अदा किया। रंगीला आसिया की सलाहियतों के मोतरफ हो चुके थे। दिल और दुनिया की कामयाबी ने उन्हें पंजाबी फिल्म दो रंगीले बनाने पर मजबूर किया जिसकी कहानी रंगीला के शख्सियत के गिर्द घूमती थी। दो रंगीले में वो दोबारा दोहरे किरदार में जलवागर हुए। रंगीला ने फिर आसिया को काम करने का मौका फराहम किया और उसने रंगीला के मुकाबल मुतासर कुन अदाकारी की। दो रंगीले 9 नवंबर 1972 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके नगमात ने हर तरफ धूम मचा दी। फिल्म का म्यूजिक रंगीला नजीर अली और कमाल अहमद ने मिलकर तरतीब दिया जबकि वारस लुधियानवी ख्वाजा परवेज सईद गिलानी रियाजुर रहमान सागर और अदाकार आसिफ जान ने नगमात लिखे। मलते तरन्नम नूर जहां के गाए नगमात लोको वे लोको इस मुंडे नु रोको और वे मैं दिल तेरे कदमा विच रखिया समेत मसूद राना के सजना ए महफल असा तेरे लिए सजाइए कि बाज गश्त हर सिमत सुनाई देने लगी। दो रंगीले की बेमिसाल कामयाबी के बाद आसिया ने कभी मुड़कर पीछे न देखा। पंजाबी सिनेमा में आसिया की कामयाबी ने उस पर पंजाबी फिल्मों की पेशकशों की बारिश कर दी जिसके नतीजा में 1973 में आसिया की 11 फिल्में रिलीज हुई जिनमें 3 उर्दू और 8 पंजाबी जुबान में थी। हिदायतकार आबद शुजा की एक्शन फिल्म खून दा दरिया ईद उल अजा 16 जनवरी 1973 को सिनेमाघरों की जीनत बनी जिसमें
आसिया ने पहली मर्तबा सुल्तान राही के मुकाबल काम किया। 8 जून 1973 को नुमाइश पजीर होने वाली हदायतकार अल्ताफ हुसैन की पंजाबी एक्शन तखलीक चार खून दे प्यासे आसिया के कैरियर की एक कामयाब फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे का कारोबार किया। मरकजी किरदार नगमा और हबीब ने अदा किए, जबकि आसिया और असद बुखारी दूसरी जोड़ी के किरदारों में जलवागर हुए। तकरीबन 2 माह के वक्फा के बाद 10 अगस्त 1973 को हदायतकार एस टी जैदी की मजाया उर्दू तखलीक बे ईमान रिलीज हुई। ये मारूफ अदाकार कवी खां की जाती फिल्म थी। आसिया को डबल रोल में लिया गया था, जो उसने खूब निभाए। ये जुड़वा बहनों की एक रवायती कहानी थी। बदकिस्मती से हालात एक बहन को तवायफ बना देते हैं। रंगीला और कवि दोनों फिल्म में हीरो थे। बेईमान में मुनव्वर जरीफ की कॉमेडी औजे कमाल पर नजर आई। आसिया और रंगीला पर फिल्माया गया गीत जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम पसंद किया गया। मजमूई तौर पर फिल्म कामयाब रही। मां ते कानून डाकू ते इंसान कहंदे ने नैना और गैरत मेरे वीर दे में भी आसिया की अदाकारी को सराहा गया। ज्यादातर फिल्मों में उसे दूसरी हीरोइन के तौर पर अदाकारी के जौहर दिखाने के मौके मयसर आए। आसिया ने खुद को अदाकारा ही नहीं एक बेहतरीन रकासा भी साबित कर दिया था। फिल्म गुलाम में उसके दिलकश रक्स ने फिल्म बीनों को बहुत मुतासर किया, जिसके नतीजा में उसके मदाखों में दिन ब दिन अजाफा हो रहा था। फिल्म साजों ने आसिया की इस खसूसियत के सबब उसे फिल्मों में धड़ाधड़ कास्ट करना शुरू कर दिया था। 1974 आसिया के लिए कामयाबी का साल साबित हुआ। अगरचे इब्तदा में उसकी चार फिल्मों को पै दर पे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, मगर इसके बाद आने वाली फिल्मों ने उसे मुश्किलात के भंवर से निकाल लिया और वो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में अपनी जगह मुस्तहकम करने में कामयाब होगी। 5 जनवरी 1974 को ईद उल अज़हा के मौका पर हदायतकार इकबाल काश्मीरी की फिल्म शहनशाह रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फिलाप रही। आसिया, आलिया, शाहिद और मुनव्वर जरीफ ने मरकजी किरदार अदा किए थे। आसिया अपनी जाती फिल्म प्यार ही प्यार बनाने में मसरूफ थी, जो तकबील के मराहल तय करने के बाद आसिया फिल्म्स के बैनर तले 8 फरवरी 1974 को रिलीज हुई। प्यार ही प्यार एक रवायती मोहब्बत भरी कहानी पर मबनी उर्दू फिल्म थी, जिसके बनाने का एक बड़ा मकसद आसिया की छोटी बहन शाजिया को फिल्म नगरी में मुतारफ कराना था। फिल्म के हीरो वहीद मुराद थे, जिनका किरदार बिनाई से महरूम एक नौजवान का था। शाजिया और आसिया दोनों उससे मोहब्बत करती हैं। मुसन्नफ़ हदायतकार रफीक अली राखन, शायर तस्लीम फाजली और मौसीकार निसार बज़मी थे। इतनी बड़ी प्रोडक्शन के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसी तरह हदायतकार अशफाक मलिक की पंजाबी फिल्म भोला सज्जन भी अवाम की पसंदीदगी से महरूम रही। हदायतकार मुजफ्फर ताहर की सकंदरा भी नाकाम रही। इसके बाद आने वाली हदायतकार जमील अख्तर की लॉटरी ने आसिया की गिरती साख को काफी सहारा दिया। शान प्रोडक्शंस की ये घरेलू समाजी फिल्म 12 अप्रैल 1974 को नुमाइश पजीर हुई और दरमियाने दर्जे का कारोबार समेट कर मजमूई तौर पर कामयाब रही। फिल्म की कहानी और नगमात सुल्तान महमूद आशुफ्ता ने तहरीर किए, चंद नगमात वारस लुधियानवी ने भी लिखे। रूना लैला का गाया ये गीत दिल मेरा क्यों ढोले जरा हंस के दस के अवाम में बहुत पसंद किया गया। आसिया की अगली फिल्म प्यार की निशानी भी सिनेमाघरों में फलाप रही। हालांकि ये एक बड़े हदायतकार एम जे राणा की तखलीक थी। 10 मई 1974 को आसिया की दो फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें एक उर्दू और दूसरी पंजाबी जुबान में थी। दोनों फिल्मों को जबरदस्त पजीराई मिली और कारोबारी एतबार से दोनों हिट रहीं। इनमें हदायतकार एम ए रशीद की उर्दू फिल्म तुम सलामत रहो समाजी मौजू पर एक खूबसूरत तफरी थी, जिसकी ये खास बात यह थी कि अदाकार मोहम्मद अली
और वहीद मुराद 8 साल के तवील वक्फा के बाद इस फिल्म में दोबारा इकट्ठे जलवागर हुए थे। आसिया शहरी और पहाड़न लड़की के दो मुख्तलिफ किरदारों में उम्दा अदाकारी करते नजर आई। फिल्म की कहानी यूनिस राही ने लिखी। मौसिकार रशाद और शायर मसरूर अनवर के तैयार करदा गीत मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो और करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है आवाम में बहुत मकबूल हुए। आसिया की दूसरी हिट होने वाली फिल्म हदायतकार रियाज अहमद राजू की पंजाबी फिल्म यार मस्ताने थी। रियाज अहमद राजू अदाकार अलाउद्दीन के छोटे भाई थे और कबल अजीम वो दिलदा जानी जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। यार मस्ताने में आसिया ने हबीब के साथ काम किया जो एक मंजे और कामयाब अदाकार थे। दूसरे अदाकारों में नगमा इकबाल हसन रंगीला इलियास काश्मीरी तालिश और एम अजमल शामिल थे। फिल्म के नगमात खजी कादरी ने लिखे जबकि मौसीकी वजीर अफजल ने तरतीब दी। वजीर अफजल के फन की एक मुनफरद बात यह है कि वो गानों की तर्ज को मुख्तलिफ रागों से आरास्ता करते जिससे मौसीकी में मजीद चाशनी पैदा हो जाती और सुनने वालों के दिल के तार बज उठते। यार मस्ताने के तकरीबन तमाम गाने अवामो खवास में मकबूल हुए बल्कि भारतीय फिल्मी सनत में भी इनको सराहा गया। खुसूसन मलका तरन्नम नूरजहां का गाया ये खूबसूरत गीत जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना जबाने जदे आम हुआ। आसिया और हबीब पर फिल्माया गया गीत वे तू करार मेरा प्यार मेरे दिल जानिया भी बेहद पसंद किया गया। पिक्चराइजेशन के एतबार से अदाकार हबीब पर फिल्म बंद किया गया ये अफसुरदा गाना पीन भी नहीं देंदे हो जीन भी नहीं देंदे हो बहुत उम्दा था। खुसूसन इसका एक सीन नहायत लाजवाब था जिसमें एक कुत्ता नशे में धुत हबीब का हाथ चाटते दिखाया गया। इस सीन का जिक्र हबीब ने अपनी फिल्मी याददाश्तों में बतौर खास किया था। मजमू तौर पर यार मस्ताने की कामयाबी ने आसिया के कैरियर को मजीद तकवीत बख्शी। इसके बाद आसिया की मजीद 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही जिनमें हदायतकार वहीद डार की पंजाबी एक्शन फिल्म शेर ते दलेर, हदायतकार जी एन चौधरी की बाबल मोड़ मुहर्रम और हदायतकार अली सुफियान अफाकी की उर्दू फिल्म नमक हराम और जिगर दा टुकड़ा शामिल है। नमक हराम का जिम्मेदार अली सुफियान अफाकी की कमजोर हदायत को करार दिया गया। हालांकि शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ ने टाइटल रोल अदा किया था। आसिया की मकबूलियत का ग्राफ अचानक उस वक्त इंतहा को पहुंच गया जब 26 जुलाई को शादमान प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार होने वाली हदायतकार हैदर चौधरी की समाजी पंजाबी फिल्म नौकर वोटिदा ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के डंके बजा दिए। नौकर वोटिदा का टाइटल रोल मुनव्वर ज़रीफ ने अदा किया जिसकी बेसाख्ता मजाया बेबिसल और लाजवाब अदाकारी ने फिल्म को शाहकार बना दिया। फिल्म की कहानी अदाकार और सदाकार शेख इकबाल ने तहरीर की जो मुनव्वर ज़रीफ और आसिया के किरदारों के गिर्द घूमती थी। फिल्म का मंजरनामा और मुकालमे नहायत जानदार थे खसूसन फिल्म स्टूडियोज के सीन जो उस दौर में स्टूडियोज की अहमियत जाहिर करते हैं। फिल्म की कहानी के मुताबिक आसिया एक अमीर शख्स तालिश के बेटे हबीब की बेटी होती है जो बाप की ख्वाहिश के खिलाफ पसंद की शादी करता है और बाद अज़ां एक हादसा का शिकार हो जाता है। जब तालिश की अकलौती पोती जवानी की दहलीज अबूर करती है तो वो उसकी शादी करना चाहता है जिस पर वो दादा को झूठ बोलती है कि उसने पहले ही पसंद की शादी कर ली है। इस पर तालिश उसे अपने शौहर से मिलवाने का तकाजा करता है। आसिया इस मतालबा पर सटपटा जाती है। इस सिलसिले में वो अपनी दोस्त से मदद तलब करती है जो उसे किराए का शौहर ढूंढने का मशवरा देती है। दोनों किराए के शौहर की तलाश में एक शख्स के पास पहुंचती हैं। वो उन्हें मुस्तफा टिंट जो कि फिल्म कंपनी में मुलाजम होता है के पास भेजता है। मुस्तफा टिंट उनका मसला हल करने की बजाय उस पर जिंसी हमला करता है।
इस दौरान मुनव्वर जरीफ आसिया को मुस्तफ़ा टिंट के दस्ते बुर्ज से बचाता है। वो उसके हुस्न सलूक से बहुत मुतासर होती है और उसे किराए का शौहर बनने की ऑफर करती है, जो वो पसो पेश के बाद कबूल कर लेता है। मुनव्वर जरीफ एक सीधा सादा देहाती नौजवान होता है जिसे फिल्मों में काम करने का बेहद शौक होता है और इसीलिए वो शहर आकर फिल्म स्टूडियोज का रुख करता है। कुछ तगो दो के बाद अपने खुदादार टैलेंट की वजह से उसे फिल्मों में काम मिल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, आसिया मुनव्वर जरीफ को शौहर के रूप में लेकर घर आ जाती है। आसिया के दादा उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं, वो दोनों से पोते की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। आसिया मुनव्वर जरीफ को एक गंवार देहाती और गरीब नौजवान समेते हुए उससे फासला इख्तियार करती है। मुनव्वर जरीफ इस दौरान अपनी मजाया बातों, हमाकतों और शरारतों के जरिए उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार दादा को दोनों के बनावटी रिश्ता की असलियत का इल्म हो जाता है, जिस पर वो आसिया का रिश्ता एक बुरे शख्स अफजाल अहमद से तय कर देता है। आखिर मुनव्वर जरीफ आसिया को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। फिल्म के दीगर अदाकारों में हबीब, शाहद, नजमा महबूब, अफजाल अहमद, तालिश, साकी, अलबेदा, आगा दिलराज, मिर्जा शाही और इकबाल हसन शामिल थे। मौसीकार वजाहत अतरे ने वारस लुधियानवी और ख्वाजा परवेज के लिखे नगमात को धुने दी, जिनको नूर जहां, अफशा और मसूद राना ने अपनी मदर आवाजों से आरास्ता किया। फिल्म के तकरीबन तमाम गीत पसंद किए गए, खुसूसन बां फड़ के पार लंघा दे इक अलड़ मुटियार नू, छी छी बुढ़ा प्यार मंगदा, चुप कर दर बट जाना इश्क दा खोल खलासा, तुम्बा बजदा ना प्यार बिना, और जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा खासा बनी। नौकर वोटी दादे सिनेमा घरों में प्लाटिनियम जुबली बनाई। इसी साल आसिया अदाकार शाहद के साथ कवी खां की उर्दू फिल्म नीलाम में भी जलवा गर हुई, मगर अवाम ने इसे पसंद न किया। अदाकार इकबाल काश्मीरी की फिल्म सस्ता खून महंगा पानी में भी आसिया शाहद के मुकाबल जलवा गर हुई, जो 1 नवंबर को रिलीज की गई। ये एक समाजी मौजू पर उम्दा फिल्म थी जो कहानी और लवाजमात के एतबार से हिट रही। इसके बाद साल के इख्तिताम तक आसिया की तकरीबन 6 फिल्में नुमाइश पजीर हुई जो बदकिस्मती से नाकाम साबित हुई। ताहम आसिया के मदाहों ने उसके काम को पसंद किया। इन फिल्मों में खाना दे खान परौने, सोना मुखड़ा, सोना डाकू, दो तस्वीरें, सुहाग मेरा लहू तेरा और 10 नंबरी शामिल थी। साल 1974 में आसिया पंजाबी फिल्में बनाने वाले फिल्म साजों की तवज्जो का मरकज रही। इत्तफाक से आसिया की 1975 में रिलीज होने वाली तमाम फिल्में पंजाबी जुबान में थीं, जिसके नतीजा में वो पंजाबी सिनेमा की मकबूल तरीन अदाकारा बन गई। आसिया का दिलकश चेहरा, दराज कद, फितरी अदाकारी, शीरी पंजाबी लहजा और रक्स में कमाल महारत ने उसे पंजाबी फिल्मों की जरूरत बना दिया। इसी वजह से आने वाले वक्त में वो सिल्वर स्क्रीन पर मलका बनकर राज करने लगी। साल 1975 में उसकी 3 फिल्में सुपरहिट, 5 हिट, 2 औसत दर्जे की और 11 नाकाम रहीं। इस दौर में नौजवान नस्ल इखलाकी और समाजी कदरों के खिलाफ बगावत कर चुकी थी। आजाद ख्याली और मुआशरती गिरावट आम थी, जिसका इजहार फैशन और लिबास के जरिए किया जा रहा था। इस सूरतेहाल ने फिल्म मेकिंग के शोबा को भी मुतासर किया। इस सिलसिले में एक गैर संजीदा हदायतकार रहमत अली ने भड़कीले, लचर, फोहश और इखलाक बाख्ता रक्स और सीन्स पर मबनी पंजाबी फिल्म खतरनाक बनाकर फिल्म नगरी में तब्दीली की घंटियां बजा दी थी। 11 अप्रैल 1975 को हदायतकार अकरम खान की खानजादा में भी आजाद ख्याली की वाज़े झलक मौजूद थी। खानजादा के इखलाक बाख्ता डांस फिल्म बीनों की बड़ी तादाद ने बहुत पसंद किए, जिसके नतीजा में ये फिल्म सुपरहिट हुई। खानजादा का टाइटल रोल नामवर विलन असद बुखारी ने अदा किया। आसिया के अलावा नजमा, इकबाल हसन, नमो, अफजाल अहमद और इलियास काश्मीरी ने नुमाया किरदार अदा किए।
मौसीकार नजीर अली ने ख्वाजा परवेज के लिखे गीतों को मदर धुनों से सजाया। फिल्म की कहानी एम अफजल कुरैशी ने लिखी। फिल्म की कामयाबी पर उनसे इस टाइप की एक और फिल्म लिखने का कहा गया जिसका तज़किरा आगे चलकर किया जाएगा। नाहिद अख्तर और मसूद राना के गाए गीत सेवंदी सरकार करोजे नजरे करम इकबार अख लड़ी ते लड़ाई जा चुप करके और रुस के टुर पे ओ सरकार तोड़ के मेरा सजरा प्यार बहुत मकबूल हुए। दूसरी सुपरहिट होने वाली फिल्म हदायतकार इकबाल काश्मीरी की शरीफ बदमाश थी जिसका टाइटल रोल यूसुफ खान और सुल्तान राही ने अदा किए। असलम डार की बशीरा ने सुल्तान राही को फिल्म साजों के सामने एक एंग्री यंग मैन के रूप में पेश कर दिया था। शरीफ बदमाश में आसिया ने सुल्तान राही के मुकाबल किरदार अदा किया। शरीफ बदमाश भी हस्ब रवायत जागीरदार घराने की बिगड़ी औलाद और गैंगस्टर्स की कहानी पर मबनी थी जिन्होंने गरीब और नादार लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे होते हैं। फिल्म के मजाहिया मनाजर में मुनव्वर जरीफ के चुटकुलों की फुलझड़ियों ने जराफत के हसीन रंग बखेरे। आसिया की अदाकारी को पसंद किया गया। इस दौर में फिल्म साजों का एक हल्का आजाद ख्याली को अपनाते हुए लचर और भड़कीले रक्स और सीन फिल्मा रहे थे तो दूसरी जानब एक ग्रुप मुआशरे के एंग्री यंग मैन की जुर्रतमंदाना बगावत को मौजू बनाते हुए एक्शन फिल्में तख्लीक करने में मसरूफ था। इसी नजरिए के तहत हदायतकार हसन अस्करी ने मारूफ अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा से माखूज एक पंजाबी एक्शन फिल्म वैशी जट तख्लीक की। फिल्म की कहानी नासर अदीब ने लिखी। ये उनकी पहली फिल्मी कहानी थी जिसकी कामयाबी से उन्हें ब्रेक थ्रू मिला। फिल्म का टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किया जबकि उनके मुकाबल देसी घी बेचने वाली पंजाब की जट्टी के रूप में आसिया का इंतखाब किया गया जिसकी वजह पंजाबी फिल्मों में आसिया की गैर मामूली मकबूलियत बेहतरीन और फितरी किरदार निगारी मौजू कदकाट और डायलॉग डिलीवरी का मुनफरद अंदाज था। आसिया ने लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा करके साबित किया कि वो कराची से ताल्लुक रखने के बावजूद ठेठ पंजाबी लहजा बोल सकती है। खुसूसन फिल्म में उसके तकिया कलाम मैं ते आप बड़ी खर दिमाग को बहुत पसंद किया गया। फिल्म के दीगर अदाकारों में इकबाल हसन गजाला अफजाल अहमद अलियास कश्मीरी जग्गी मलक सीमा अली इजाज और अजमल शामिल थे। फिल्म की कहानी जागीरदारी निजाम के पस मंजर में रवायती खानदानी दुश्मनी के गिर्द घूमती थी लेकिन उसे पेश करने का अंदाज मुख्तलिफ था जिसकी वजह से फिल्म बेहद पसंद की गई। वारस लुधियानवी के लिखे गीतों की धुनें मौसीकार सफदर हुसैन ने तख्लीक की। मलकाय तरन्नम नूरजहां रूना लैला और रफीक चौधरी ने आवाजों का जादू जगाया। फिल्म ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। तशद्दुद और एक्शन के जिस ट्रेंड का आगाज बशीरा के जरिए हुआ वैशी जट ने उसे मुस्तहकम किया। यूं ये एक ट्रेंड सेट फिल्म साबित हुई। जुमर पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म रावल में आसिया ने अकबर आलिया असद बुखारी असलम परवेज और रंगीला के साथ काम किया। फिल्म मकबूलियत के लिहाज से हिट रही। हदायतकार खैदर चौधरी की पंजाबी फिल्म जोगी भी हिट साबित हुई। ये एक ख्याली नाक कहानी पर मुश्तमिल थी जिस पर आसिया ने वहीद मुराद के मुकाबल हीरोइन का किरदार अदा किया। वहीद मुराद की ये तीसरी पंजाबी और आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी का राज रकासा नाजली के चंद फोहश सीन्स करार दिए जाते हैं। ताहम आसिया ने जानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। फिल्म के दीगर अदाकारों में साइका नन्ना अफजाल अहमद बहार मुनव्वर सईद अली इजाज साकी और इशरत चौधरी नुमाया थे। ख्वाजा परवेज के नगमात को एम अशरफ ने दिल मोह लेने वाली मौसीकी दी। नाहिद अख्तर का गाया ये गाना मकबूल आम हुआ। मेरा तन मन डगमग डोल गया बीन बजाए जोगी ओ जोगी। आसिया की अगली हिट होने वाली फिल्म हथकड़ी थी। इसके हदायतकार भी हैदर चौधरी थे। हथकड़ी जुर्म सजा के मौजू पर मबनी फिल्म थी।
फिल्म की मौसीकी वजाहत अतरे ने तरतीब दी, नगमात ख्वाजा परवेज ने लिखे, हथकड़ी में भी आसिया के काम को पसंद किया गया। इस फिल्म में आसिया ने यूसुफ खान के मुकाबल काम किया। इस साल की अगली हिट होने वाली फिल्म नवाबजादा थी। ये फिल्म भी खानजादा बनाने वाली टीम ने तख्लीक की। खानजादा की कामयाबी ने उन्हें नवाबजादा बनाने पर मजबूर किया। आसिया ने असद बुखारी के मुकाबल मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी भी खानजादा के मुसन्निफ एम अफजल कुरैशी ने लिखी और अकरम खान ने इसे डायरेक्ट किया। मौसीकार ताफो और गीत निगार ख्वाजा परवेज थे। फिल्म की कहानी जुर्म व सजा के मौजू पर थी। 1975 में आसिया के रिलीज होने और औसत दर्जा की कामयाबी समेटने वाली फिल्मों में हदायतकार इम्तियाज कुरैश की पंजाबी फिल्म खूनी खेत नुमाया थी, जिसमें आसिया, नगमा, खबीब, अनायत हुसैन भट्टी, मजर शाह और सलमा मुमताज ने अहम किरदार अदा किए। दूसरी फिल्म हदायतकार शरीफ अली की शीदा पस्तौल थी, जिसमें आसिया और मुनव्वर जरीफ ने मरकजी किरदार अदा किए। ये एक मजाया और नगमाती फिल्म थी। मसूद राना का गाया गाना जरा अख नाल अख ते मिलाओ मकबूल आम हुआ। दो दोस्त भी औसत दर्जे में कामयाब होने वाली फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म में आसिया ने इकबाल हसन के मुकाबले हीरोइन का किरदार अदा किया। आसिया की नाकाम होने वाली फिल्मों में हाकू, आदि मुजरम, अज दी गल, रेशमा जवान होगी, छट बुरे दी यारी, आशिक लोक सौदाई, शहीद, सरे आम, जोड़ तोड़ दा बादशाह, गुनाहगार और दोगला शामिल थी। हदायतकार हैदर चौधरी की पंजाबी फिल्म शौकन मेले दी भी हिट होने वाली फिल्मों में शामिल थी, जो जुमा 12 दिसंबर 1975 को नुमाइश के लिए पेश की गई। मौसीकार कबाल अहमद और शायर ख्वाजा परवेज थे। आसिया और मुनव्वर जरीफ के काम को बेहद पसंद किया गया। साल 1976 में आसिया के रिलीज होने वाली तकरीबन 26 फिल्मों में 2 सुपरहिट, 4 हिट और 3 दरमियाने दर्जे में कामयाब हुई, जबकि 17 को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इन दिनों आसिया दिन रात फिल्मों में काम करने में मसरूफ थी। आसिया की नाकाम होने वाली फिल्मों में मौत खेड जवाना दी, अज दी ताजा खबर, यार दा सेरा, अखड़, हुक्म दा गुलाम, चोर नू मोर, जानो कपती, कोठे टपनी, दुकी तिकी, महबूब बेरा मस्ताना, दारा, चित्रा ते शेरा, पत्थर ते मोती, बदतमीज, क्लब डांसर, ट्रक ड्राइवर और रेशमा ते शेरा शामिल थे। औसत दर्जा में कामयाब होने वाली फिल्मों में अंजाम, वादा और अज दा बदमाश, हिट होने वाली अल्टीमेटम, वारंट, बागी ते फरंगी और हशर नशर, जबकि सुपरहिट होने वाली फिल्मों में तूफान और जग्गा गुज्जर शामिल थी। हिदायतकार असलम डार की म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म वादा में आसिया नर्स के एक यादगार किरदार में जलवागर हुई। वहीद मुराद ने इस फिल्म में उनके हीरो का किरदार अदा किया। दीपा आसिया की बड़ी बहन के रूप में जलवागर हुई। आसिया का किरदार कुर्बानी के जज्बा से सरशार ऐसी लड़की का था जिसने बहन की खातर अपना प्यार कुर्बान कर दिया और महबूब वहीद मुराद को उससे शादी करने पर मजबूर किया। आसिया इस किरदार में फन की बुलंदियों को छूता नजर आई। इस साल की 6 फिल्मों में आसिया ने सुल्तान राही के मुकाबले हीरोइन का किरदार अदा किया और वैशी जट के बाद इन फिल्मों में उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और आने वाले वक्त में ये एक मकबूल और कामयाब जोड़ी साबित हुई। आसिया को मुनव्वर जरीफ और यूसुफ खान के साथ भी पसंद किया गया। फिल्म जानो कपती में आसिया और मुनव्वर जरीफ के रक्स देखने के काबिल है। 1977 में आसिया की 17 फिल्में रिलीज हुई। फिल्मों में जकदम कमी शायद 1976 में इतनी ही तादाद में नाकाम होने वाली फिल्में थी। फिल्मबीनों के एहतसाब ने फिल्म साजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि फिल्म की कामयाबी का इन्हसार सिर्फ एक फनकार पर नहीं होता, बल्कि कहानी से लेकर अच्छी अदाकारी, मंजरनामा और मौसीकी मिलकर ही मकबूलियत की हद तक पहुंचाते हैं।
इस साल आसिया की दो फिल्में हदायतकार जहांगीर कैसर की एक्शन पंजाबी फिल्म लाहौरी बादशाह और हदायतकार हसन अस्करी की एक्शन तखलीक कादून सुपरहिट साबित हुई। दोनों फिल्मों में आसिया के हीरो सुल्तान राही थे। सिर्फ एक फिल्म हिट हो सकी जो फिल्म साजो हदायतकार एम अकरम की सोशल फिल्म दिलदार सदके थी। इस फिल्म में मरकजी किरदार आसिया और इकबाल हसन ने अदा किए जबकि सेकंड पेयर नजमा और जुबैर का था। जुबैर की गालबन बतौर सेकंड हीरो पहली फिल्म थी। वो एम अकरम का भतीजा था। फिल्म की कहानी और गीत हजीम कादरी ने लिखे, जिनमें से अक्सर बहुत मकबूल हुए। दीगर अदाकारों में रंगीला, इलियास काश्मीरी, अलाउद्दीन और अली इजाज शामिल थे। मौसीकार नजीर अली थे। आसिया के रक्स को बेहद पसंद किया गया। औसत दर्जे में कामयाब होने वाली फिल्मों में हदायतकार हसन अस्करी की आखिरी मैदान, हदायतकार खैदर चौधरी की फरार, हदायतकार अरशद मिर्जा की बागीत कानून, हदायतकार इकबाल यूसुफ की जीने की दा और फिल्म साजो हदायतकार असलम डार की बड़े मियां दीवाने शामिल थे। बड़े मियां दीवाने में आसिया ने यादगार किरदार अदा किया। ये एक मजाहिया फिल्म थी। नदीम, आसिया, निम्मी, दुर्दाना रहमान, जमशेद इंसारी, तमन्ना, तालिश और खालिद सलीम मोटा ने लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया। फिल्म का टाइटल रोल तालिश ने अदा किया। जीने की राह में आसिया ने यंग टू ओल्ड किरदार में मोहम्मद अली की बीवी और सुधीर की बहन के रूप में उम्दा अदाकारी की। इस फिल्म में अदाकार गुलाम मोहियुद्दीन की मां बनी थी। अदाकारा मुमताज ने डबल रोल निभाया। फिलाप होने वाली फिल्मों में बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद के मौजू पर बनाई जाने वाली फिल्म हदायतकार मुजफ्फर ताहर की धरती लहू मंगदी, हदायतकार मोहम्मद अकरम की अप्रैल फूल, हदायतकार रहमत अली की हाजी खोखर जो कि जिला कसूर के शहर कंगनपुर के नवाही गांव के एक गरीब परवर डाकू की सच्ची कहानी पर मबनी थी, हदायतकार अकरम खान की शेर बब्बर, फिल्म साजो हदायतकार रंगीला की बेगुनाह, हदायतकार नसीम हैदर शाह की गैरत दी मौत, हदायतकार हनीफ जड़दार की हिम्मत, हदायतकार रहमत अली की आखिरी गोली और हदायतकार असलम डार की उर्दू सोशल तखलीक पहली नजर शामिल थी। पहली नजर में आसिया साइड हीरोइन के रूप में जलवा कर गई। उसका किरदार चंपा नामी एक तवायफ का था जो शहर के नामी ग्रामी बदमाश जानी से मोहब्बत करती है। बाबरा शरीफ, नदीम और मोहम्मद अली फिल्म के तीन अहम किरदार थे। ये एक ट्राइंगल लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली ने जानी बदमाश का यादगार रोल अदा किया। पहली नजर नाकाम हो गई लेकिन भारत में इसका चरबा जीत नाम से तैयार किया गया। 1977 में रिलीज होने वाली आसिया की 17 फिल्मों में 4 उर्दू और बाकी पंजाबी जुबान में थी। 1978 में आसिया हदायतकार एस सुलेमान की कामयाब उर्दू फिल्म प्रिंस में क्लब डांसर के रूप में नजर आई और अपने दिलकश और खूबसूरत रक्स की वजह से फिल्म बीनों से खूब दाद वसूल की। अदाकार जान मोहम्मद की मजाहिया फिल्म बहुत खूब में वो शाहिद के मुकाबल हीरोइन आए। इस फिल्म में अदाकार शाहिद ने 4 मुख्तलिफ किरदार अदा किए। 1989 में हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म आग में आसिया ने एक ईसाई लड़की के किरदार को अपनी अदाकारी के जरिए यादगार बना दिया। इस साल हदायतकार यूनुस मलिक रिलीज होने वाली शोरा आफाक पंजाबी फिल्म मौला जट की बेपनाह कामयाबी ने आसिया को शोहरत की इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में उसने मौला जट की मंगेतर मुखो का यादगार किरदार अदा किया जो आज भी नहायत दिलचस्पी से देखा जाता है। मौला जट ने पंजाबी फिल्मों में एक नई तारीख रकम की। इस साल आसिया एवेन्यू पिक्चर्स की पंजाबी फिल्म सरदारा में काम कर रही थी कि इस दौरान एक साजिश के तहत उसकी इज्जत और साख को बदनाम करने की कोशिश की गई। रियाज भट्ट ने बास शख्सियात के इमा पर आसिया की इज्जत पर रकीक किस्म का हमला करते हुए उससे बहुत बुरा भला कहा। इस हतक अमेज सलूक पर वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और उसने फिल्मी मसरूफियात तर्क करके अपना घर बसाने का फैसला कर लिया। चुनाचे एक दिन उसने फिल्मी दुनिया
हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने अपनी जेरे तकमील फिल्मों में अपना काम अक्स बंद कराने के बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया और फिर कभी इस तरफ देखा तक नहीं। आसिया ने कराची के एक कारोबारी शख्स से शादी कर ली और बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई। वो कभी कभार पाकिस्तान आती मगर उसकी मसरूफियात सिर्फ खानदानी और करीबी अफराद से मेल मुलाकात तक ही महदूद रहती। इसी दौरान कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने आसिया को अपने चुंगल में ले लिया और बिलाखर 9 मार्च 2013 को वो इस मूजी मर्ज के हाथों इस दारे फानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। आसिया आज हम में नहीं लेकिन उसका फन हमेशा जिंदा रहेगा। आसिया का फिल्मी कैरियर 1970 से 1990 तक के अरसे पर मोहित है। अगरचे अमलन उसने 70 की दहाई के आखिर तक काम किया। आसिया ने 188 से जायद फिल्मों में काम किया जिनका तफसील से जिक्र किसी और वीडियो में किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी।